सहारनपुर से आए हैं। चंद्रशेखर को जानते होंगे? पड़ोसी हमारे। पड़ोसी हैं, क्या लगता है उनके बारे में? उनका तो ग्राफ बहुत डाउन है। आप सहारनपुर से हैं? सहारनपुर से बता रहा हूँ मैं। और चंद्रशेखर सहारनपुर से हैं? और चंद्रशेखर पूरे यूपी में लेकर भारत में छाए हैं, आप बता रहे हैं कि उनका ग्राफ डाउन है, या क्या सही है? समय 8 बज चुका है, हम लखनऊ में हैं और यहाँ पे 9 अक्टूबर को जो है मायावती संबोधित करेंगी मानवर कांशीराम साहब की पुण्यतिथि को लेकर। यहाँ पे जो है काफ़ी नीला रंग दिख रहा है और बैनर दिख रहे हैं, रोड सज चुके हैं नीले रंग से, और यहाँ पे काफ़ी जो है रैली के रूप में लोग आ रहे हैं। हम उनसे भी बात करेंगे, क्या लगता है जो है जिस तरह से यहाँ पे जोर और जुलूस दिख रहा है, यहाँ पे काफ़ी युवा हैं। साथी हेलो, क्या परिचय है आपका, क्या नाम है? उमेश कुमार। कहाँ से हैं? विधानसभा धनौरा 39 जिला मोरवा। कितने लोग हैं आपके तरफ से? हमारी तरफ से लगभग 1000 आदमी आए हैं। 1000 आदमी आए हैं, क्या इसी तरह से पैदल आए हैं क्या? कुछ पैदल चल कर आए हैं, कुछ बस से आए हैं। बस से आए हैं। सर आपका परिचय? मैं भीम सिंह गौतम, विधानसभा अध्यक्ष। क्या लगता है आपकी बार जो ये रैली होने वाली है, ये संबोधन होने वाला है, इस स्थल में जगह नहीं मिलेगी क्या, जिस तरह से भीड़ दिख रही है? जगह नहीं मिलेगी, जीत पक्की है। इस बार बहुमत से सरकार बनेगी, बहन जी की ही बनेगी। बहुमत से सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में, वो भी बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की सरकार। 300 से ज्यादा सीटें आनी है, 300 प्लस में हम जीत कर जाएंगे। हम जीत कर जाएंगे ऐसा हम विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, सरकार बना कर रहेंगे। थोड़ा दूर से दिखाइए, पूरा दिखाइए, हम कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे। यहाँ पे जो है थोड़ा धक्का दीजिए हमको आराम से सभी से बात करेंगे, सभी से। दादा आप आगे आ जाइए, आप लोग आराम से। दादा परिचय क्या है? देखिए हमारा लक्ष्य है, हम बीबीपी आपके आदमी है। परिचय क्या है आपका? हमारे की बहन जी को जिताना है और नाम पूछ रहे हैं। अच्छा, मेरा नाम राम गोपाल सिंह है। कहाँ से हैं? मुसाबापुर नवादे के रहने वाले हैं हम। जो है हमारा लक्ष्य ये है कि हमें अपनी, हमें जो है बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना है और भारी बहुमत से जिताना है। कितने वर्षों से बसपा में काम कर रहे हैं? हम कम से कम 22 साल हो चुके हैं। 22 साल हो गए हैं लगातार। क्या बसपा के लिए समर्पित हैं? हाँ, लगातार जो है बसपा के लिए वोट करते हैं। हाँ जी, अब की बार क्या लगता है चुनाव को लेकर? चुनाव का हमें जीतने की उम्मीद है, हमें पूरी उम्मीद है। हाँ, पूरी उम्मीद है। आपकी योगी जी लौट जाएंगे क्या? बिल्कुल हार जाएंगे, हार जाएंगे। अरे बहुत सारी पार्टियां हैं, कितनी पार्टियां होता है, हम नहीं हटेंगे बिल्कुल भी। चाचा आपसे बात करेंगे, आप जो है नीले टोपी दिख रहे हैं, बहुत बिल्कुल बढ़िया है। कहाँ से हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट जो है अमरोहा से हूँ। मेरा नाम मलखान सिंह है, ग्राम खाईखेड़ा खादर है, और विधानसभा जो है मंडी धनौरा है। 39 है। हाँ जी, कब से आए, कितने बजे से निकले हैं घर? मैं, हम जो है 24 घंटे में हम यहाँ आके लगे हैं, जो हमारे 24 घंटे को हमारी बस आके लगी है यहाँ। बस किसके तरफ से है? आप लोग चंदा लगाए हैं अपने पैसे से है? नहीं, जो हमारे जो प्रत्याशी है चंदा जो करा है हमने, कार्यकर्ताओं ने चंदा करा है, तो हम बस कर लाए हैं अपने। आज जो है मानवर कांशीराम साहब की पुण्यतिथि है, पुण्यतिथि लोग मानवर साहब को लेकर आपकी क्या राय है? अरे उनका परिनिर्वाण दिवस है, जिन्होंने बसपा का निर्माण किया, आज उनका पुण्यतिथि है, उनके बारे में क्या सोचते हैं? उनका बहुत ही पूजनीय व्यक्ति रहे हैं, श्री कांशीराम जी संस्थापक है बहुजन समाज पार्टी के, बड़ा बड़ा योगदान दिया है बहुजन समाज के लिए, अपना जीवन ही बलिदान कर दिया उन्होंने, हमारे पूजनीय है, हमारे देवता स्वरूपी हैं वो, उनके नक्शे कदम पर। यहाँ पे कभी जो है बहुजन समाज में मीडिया नहीं पहुंच पाती है, मीडिया को देखते ही मीडिया को घेर लेते हैं। जिस तरह से यहाँ पे घेरा गया हमें, शायद कि हमारी आवाज धीमी पड़ जा रही थी, यहाँ पे इतना जोर और जुल्लू से नारे तो गजब के लग रहे थे, बहुत सारे नारे लग रहे थे। हम दूसरी तरफ बात करेंगे, यहाँ पे काफ़ी जो है फोर्स लगी है, हम दूसरी तरफ भी बात करेंगे। आइए चलते रहिए, और भी लोग हैं जो बढ़ते जाएंगे, स्थल की तरफ हम जाएंगे, बात करेंगे वहाँ भी। जब से हम निकले हैं 3-4 किलोमीटर वहाँ से पूरी भीड़ दिख रही है, और रास्ते में क्या परिचय साथी आपका? धर्मेंद्र कुमार। कहाँ से हैं? क्षेत्र पंचायत सदस्य रतनमयी, प्रतापगढ़ जिला। प्रतापगढ़ जिला से हैं, क्या लगता है वहाँ माहौल क्या है बसपा? बहुत अच्छा है माहौल। अच्छा कितने बजे से आए हैं? मैं 5 बजे शाम से चला हूँ कल।
कल शाम 5 बजे को चले हैं, कितने लोग आए हैं? कम से कम हमारे साथ में 55 लोग हैं एक साथ, एक बस में। वहाँ से अपने साधन से आए हैं, किसी के साधन से आए हैं, अपने खर्च से आए हैं? महोदय के साधन से। प्रत्याशी के महोदय से? कोई किसी लालच से तो नहीं आए? लालच से कोई नहीं। क्या लगता है विरोधियों को हराने के लिए आए हैं या मायावती को जिताने के लिए? मायावती को जिताने के लिए आए हैं। तथा आपका परिचय क्या है? डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद से। मुरादाबाद से है? यहाँ पे 75 जिलों में से सारे जिलों को नाम जो है सुनने को मिला, ये मुरादाबाद से है। मुरादाबाद में क्या माहौल है? बढ़िया माहौल है, फर्स्ट क्लास। पूर्वम पूरा किसान सब समाज बहन जी के साथ है। गुंडागर्दी चरम सीमा पे है, विकास बंद है, शिक्षा बंद है। अभी लगातार जो है एकदम अपडेट चल रहा है लखीमपुर खीरी कांड जी। क्या सोचते हैं लखीमपुर खीरी कांड पर? जो हुआ वो गलत हुआ, किसानों के साथ अन्याय हुआ, ये दुर्भाव हम बड़ा खेद करते हैं इस बात के लिए, अशोभनीय है, और जो लोग दोषी हैं वो कानून के तहत उन्होंने कार्रवाई। अभी जो है आरोपी गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं, कानून कार्रवाई होनी। अभी आप लोग आवाज़ नहीं लगा रहे, क्यों नहीं आवाज़ लगा रहे हैं? आवाज़ लगा रहे हैं, मगर आवाज़ जो विपक्ष में है उसकी आवाज़ को ना मीडिया दिखा रही है, नहीं उसे आगे बढ़ने दे रही है। जो जहाँ जनसमूह है वो आवाज़ वहीं तक सिमट रही है, प्रयास कर रहे हैं कि ये आवाज़ हमारी हाईकोर्ट तक जाए, सुप्रीम कोर्ट तक जाए, और जो हमारे किसानों को पूरा न्याय मिले, और जो मुजरिम है जो वहाँ वीडियो में दिखाए गए हैं। हाँ, वीडियो तो जो है 8 क्लिप वायरल हो चुकी है, लेकिन आरोपी अभी भी गिरफ्तार नहीं हुआ। तो ये सरकारी नाकामी है। क्या लोकतंत्र की हत्या हो रही है? लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान का खुलेआम लोकतंत्र की हत्या हो रही है। खुलेआम लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है। फिर से युवा जुड़ चुके हैं जी। अभी हमने कहा था कि युवाओं को जो है युवाओं को लेकर बसपा में मांग हो गई है, युवाओं को जोड़ना चाहती है बसपा, तो आप युवा हैं, क्या कहना चाहेंगे युवा की तरफ? आइए आगे आइए। मैं क्या बोल रहा? नहीं, आपका परिचय क्या है? मेरा नाम जोनी है। कहाँ से हैं आप? जिला सहारनपुर से। सहारनपुर से आए हैं? चंद्रशेखर को जानते होंगे? फिर पड़ोसी हमारे। पड़ोसी हैं, क्या लगता है उनके बारे में? उनका तो ग्राफ बहुत डाउन है। आप सहारनपुर से हैं? सहारनपुर से तो बता रहा हूँ मैं। और चंद्रशेखर सहारनपुर से हैं? और चंद्रशेखर पूरे यूपी में लेकर भारत में छाए हैं, आप बता रहे हैं कि उनका ग्राफ डाउन है, या क्या सही है? बिल्कुल ग्राफ डाउन है, बिल्कुल संगठन के लिए तो सही था, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी कर दी पार्टी बनाई, जो उन्हें पार्टी भी बनानी थी। पार्टी नहीं बनानी चाहिए उनको? पार्टी बनाकर उन्होंने गलत करा। अच्छा, क्योंकि फिलहाल मतलब बहन जी है तो पार्टी बनानी चाहिए थी, सही बात है यार। उन्होंने तो दो दो बार जो है पत्र लिखा बहन जी को, लेकिन एक्सेप्ट नहीं किए बहन जी, क्या लगता है? बहन जी ने कहा मैं झंडे के नीचे आ जाओ, मैं आपके साथ रहूंगी, पर लेकिन बहन जी ने कौन फेरबदल कर सकता है? काफी चर्चा हुआ करती है कि चंद्रशेखर उभरता हुआ नेता है। अभी राकेश टिकैत जो है संबोधन कर रहे थे, वो बोले कि नेता इसको साथ में लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है मायावती उनको नहीं ले रही है साथ में। यहाँ के युवा कह रहे हैं, जो सहारनपुर से अभी थे हम बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं चंद्रशेखर का ग्राफ डाउन है और मायावती का ग्राफ ऊंचा है, सहारनपुर में भी, उनके जन्मस्थली में भी। तो आप लोग कहाँ से हैं, आपका परिचय क्या है, नाम नाम क्या है? प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार कहाँ से हैं? बागड़ छामनी से। छामनी से हैं, कैसे आए हैं? रैली में आए हैं। रैली में क्या करने आए हैं? देखने आए हैं। देखने या सुनने आए हैं? सुनने भी आए, देखने भी आए। अच्छा, क्या लगता है कितने बजे से आए हैं यहाँ पे? हम कल से यहीं पड़े हैं। हम कितनी भीड़ होगी अंदर? कई लाख आदमी है। 3 लाख? क्या लगता है अब की बार जो है हम लोगों को मीडिया कर्मियों को भी जगह नहीं मिलेगी क्या? नहीं, आपको सम्मान दिया जाएगा। हाँ, जिस हिसाब से बता रहे हैं वो जन्म स्थल तो भर गया होगा। आइए आगे भी बात करते हैं, बहुत सारे हैं और युवा लोग हैं। जिस तरह से आपको दिखाएं तो ये पूरी रोड को दिखाइए, ये नीला काफी बोर्ड बसपा का लग चुका है, नीला परचम लहर चुका है। मानवर श्री कांशीराम साहब 15वें परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में। तो यहाँ पे 4-व्हीलर लगातार दिख रही है हमें, जो बहुत सारी भीड़ में 4 किलोमीटर से पैदल आ रहे हैं। साथी कहाँ से हैं आप? मुरादाबाद से। मुरादाबाद से हैं, क्या लगता है कहाँ जा रहे हैं आप? रैली में जा रहे हैं भाई। रैली में जा रहे हैं जी। क्या करने जा रहे हैं? बहन जी को जिताने के लिए रैली लगी है। कहाँ से हैं? मुरादाबाद से। मुरादाबाद में क्या माहौल होगा? बहुत अच्छा माहौल है बहुजन समाज पार्टी का। अच्छा जी, योगी जी भी तो अच्छे पे टॉप चल रहे हैं उनके बारे में? योगी जी के अच्छे विचार नहीं है हमारे इधर जिला रामपुर में। अच्छा जी। अरे हम हाथों का आए हैं, वे बोले गड्ढा मुक्त सरकार है। गड्ढा मुक्त सीतापुर से लेकर यहाँ तक गड्ढों के मार्ग ठिकाना नहीं है। कहाँ गड्ढा पे?
पूरे सीतापुर से सीधे आप निकले आइए, शाहजहांपुर से समय गड्ढे गड्ढे हैं। गड्ढा मुक्त सरकार है, लेकिन चाचा बता रहे हैं गड्ढा युक्त सरकार है, क्या सही है? गड्ढा युक्त सरकार है, गलत है। और उसका जो प्रचार है अखबारों में वो गलत है। अच्छा, जमीन स्तर पर नहीं है। क्योंकि हमने देखा शाहजहांपुर से निकलने के बाद सीतापुर तक टोटल गड्ढा गड्ढे 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 है, एक एक मीटर चार चार हाथ गड्ढे है। तो कहाँ गड्ढा मुक्त सरकार है? ये बेवकूफ बना रही है, मीडिया में अलग दिखा रही है और जमीन स्तर वाला कर। मीडिया भी बिका हुआ है क्या लगता है? मीडिया तो उनके दबाव में है, बिका हुआ है। ये तो राकेश टिकैत ने भी कह दी, कलम पे और कैमरे पर इनका पैरा है कि ये सब दबाव में है। खुले से कोई ना नेता काम कर रहा है, ना प्रशासन काम कर रहा है, ना कोर्ट काम कर रहा है। आज के दौर में सब कुछ इनके दबाव में। आइए हम बीच डिवाइडर पे चलते हैं, डिवाइडर से दिखाते हैं कितना बड़ा ये सन्नाटा जो है लगा है। बैनर जो है बहुत सारे प्रचार प्रसार हो रहे हैं, हम उसको भी दिखाने का काम करेंगे। आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पे सभी लोगों का फोटो लगा है और ये बैनर लगा है बहुजन समाज पार्टी का। हम ठेले वाले से भी बात करेंगे, आप रुक जाइए जरा। कब से यहाँ अपना ठेला लगा रहे हैं? 3 बजे रात से। 3 बजे रात से कितना बेच चुके होंगे? बेच चुके हैं 2,500 का। 2,500 का? इससे पहले कितने का बेचते थे? उससे पहले भी 3-4 हजार का बेचते हैं। क्या लगता है कि आज जो है ज्यादा बिक्री हो रही है? आज बिक्री हो रही है। किस लिए हो रही है? इसलिए हो रही है बहन मायावती की। क्या बहन मायावती जी आपको भी पसंद है क्या? और क्या, जिताएंगे? जिताएंगे। यहाँ पे जो ठेला वाले हैं, जो पेठे का काम कर रहे हैं, पेठा बेच रहे हैं, वो भी मायावती से प्रसन्न है। फल वाले से भी बात करेंगे। चचा क्या लगता है? कहेगा नहीं, जैसे कि यहाँ कार्यक्रम हो रहा है बसपा का, ठीक ठीक मायावती जी को कैसे देखते हैं? अच्छी नेता हैं? अच्छे तो है ही है। हाँ। आप लोग जिताएंगे? बिल्कुल जितावा जाए। कब से लगाए अपना ठेला? अभी मतलब 2 घंटा हुआ। 2 घंटा बिक्री विक्री हो रही है? हाँ, 300 रुपया का बेचे हैं बस। हमारे यहाँ जो है दिन भर लगाते हैं, 300 रुपये का बेचते हैं, 2 घंटे में 300 रुपये का बेच लिया। आइए बात करते हैं दूसरी तरफ। हमारा ये खुश होकर जो है चचा हमको बुला रहे हैं और पैसे भी दिखा रहे हैं। पैसा फिर से दिखाइए आप, ये पैसा कमा चुके हैं। साथी आप लोग कहाँ से आए हैं? आप आइए इधर आइए। कहाँ से आए हैं चचा? कहाँ से आए हैं? बलिया से। बलिया में कैसा क्या माहौल है बसपा का? बसपा का एक नंबर चलेगा, एक नंबर चलेगा। और सारी पार्टी? और सारी पार्टी जैसी कर्तव्य किया है वैसा फल पाएगा। कितने लोग आए हैं बलिया से? कितने? बलिया से हमको लगभग कहीं 200 गाड़ी आई हो। 200 गाड़ी बस या फोर व्हीलर? छोटी से बड़ी। छोटी सी बड़ी? हमको लगता है पूरा बलिया चला आया होगा। बलिया में तो बहुत ज्यादा आया है। अच्छा, क्या लगता है जिस तरह से आप लोग आ रहे हैं पूरा लखनऊ भर जाएगा क्या? लखनऊ तो पूरा, बहन जी का जब होता है मीटिंग तो जानते ही है कि खचा खच लखनऊ। दादा आपका नाम क्या है? नाम हमारा हंसराज राम। कहाँ से हैं? आजमगढ़ से। आजमगढ़ से कब से आए हैं? अभी 1 घंटा पहले आए हैं। अच्छा, रैली में आए हैं क्या? जी हाँ। क्या लगता है मायावती जी को किस नज़र से देखते हैं? इसलिए कि वो समता मूलक समाज की स्थापना करने में व्यस्त है। व्यस्त हैं। हाँ। एकदम व्यस्त हैं। तो हम सभी लोग चाहते हैं कि उनका जो है सपना है वो पूरा हो। आपकी बार चुनाव हो रहा है? जी हाँ। चुनाव में बहुत सारी पार्टियां जमीनी स्तर काम कर रही हैं, क्या लगता है कौन सी पार्टी जमीनी स्तर पे मजबूत? देखिए, सब पार्टियां का अपना एक धंधा है। अब बहुजन समाज पार्टी जो है एक आंदोलन आंदोलन है। हाँ, एक आंदोलन है। वो गरीबों को, मजलूमों को, दलितों को, पिछड़ों को, जो बेसहारा हैं, बेलब्ज हैं, उनके प्रति वह समर्पित पार्टी है बहुजन समाज। बहुजन समाज पार्टी जो है दलितों के लिए, वंचितों के लिए, जो गरीब असहाय है उनके लिए समर्पित है। बहुत लोग तो कहते हैं मायावती जो है दलितों से दलित की देवी हो गई। भाई देखिए, कहने वाले तो क्या क्या कह डालते हैं, वह उनकी अपने दिल की भड़ास निकालती हैं। इसलिए कि जो बहन जी काम करती हैं वह सर्व समाज के लिए करती हैं, न कि केवल दलितों के लिए करती हैं। हाँ, ये जरूर है कि वह दलितों के प्रति उत्तरदायी हैं। आप सर्व समाज की बात कर रहे हैं। अभी वामन मिश्राम साहब ने एक स्पीच दिया था एक चैनल पे, उन्होंने कहा था कि मायावती जो है अब सर्व समाज को पार्टी समर्पित कर रहे हैं, क्या है? देखिए, वामन मिश्राम स्वयं ही अलग थलग है। अच्छा,
वो तो एक रिजेक्ट माल हैं, आप मानो इस बात को। चाचा आए हैं, चाचा से बात करेंगे। चाचा क्या परिचय है? भैया हम तो बीएसपी लड़ा रहे हैं, बीएसपी के आदमी। बीएसपी से हैं, कहाँ से हैं? हम जिला बिजनौर से है, तहसील हाँ तहसील नजीबाबाद। हमारा कैंडिडेट शाहनवाज है जी। हम बात करें तो जमीनी स्तर पे बिजनौर में कौन मजबूत है? बीएसपी मजबूत है, 8-2 सीटें टिका लेंगे हम अब की बार जी। सरकार बनेगी जिस तरह से आप देख रहे हैं, बीएसपी के लिए मुस्लिम समाज भी समर्पित है और बता रहे हैं कि जमीन स्तर पर भी मजबूत है, मजबूत क्या है? सही बात है, सही बात है। दिलो जान से लड़ाएंगे। क्या लगता है बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी? हाँ बनेगी, फुल बहुमत से बनेगी इंशाल्लाह। कोशिश कर रहे हैं पूरी, अब मेहनत पूरी कर रहे हैं, जी तोड़ से मेहनत कर रहे हैं, फुल बहुमत से बनाएंगे सरकार। अरे आप उधर पार्टी आ रही है, MIM आ रही है, क्या आ रहा है उधर? ऐसा कुछ नहीं है MIRF का, कुछ नहीं रहने का। वो कहानी होगी MIRF की जैसी इसमें हुई थी, क्या नाम है, ममता इसमें बंगाल में, वो हालात हो रही है इसके। दादा काफ़ी बुजुर्ग हैं, रैली में आए हैं। चाचा दादा क्या नाम है आपका? हमारा भरत कुमार गौतम नाम है। कहाँ से हैं? हम जिला आजमगढ़ से हैं। जिला आजमगढ़ से हैं। आजमगढ़ वाले बहुत दिख रहे हैं, बहुत बहुत एकदम जी तोड़ करके बसपा को जिताने के लिए पड़े हैं। सभी बसपा को जिता रहे हैं, बसपा को जिता रहे हैं। अब की बार तो पूर्व बहुमत सरकार बनेगी, अब की बार पूर्व बहुमत से बनाएंगे। अच्छा आप काफ़ी बुजुर्ग हैं, आपसे थोड़ा जानकारी लेना चाहते थे, कब से जुड़े हैं बसपा में? हमारा तो बचपना गुजर गया है। बचपना गुजर गया, अभी तो हमारा बचपना शुरू हुआ है। यहाँ दादा का जो है बचपना गुजर जा रहा है बसपा में। क्या लगता है आपकी बार 2022 चुनाव को लेकर? 2022 को पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी, हाँ बहन कुमारी मायावती की, हाँ। चलिए आइए आगे बात करते हैं। जिस तरह से यहाँ पे सुनने को मिला और देखने को मिला, काफ़ी युवा बुजुर्ग महिलाएं से सुनने को मिला, तो एक युवा हैं जो पीछे से हमें टच कर रहे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। वहाँ से चिल्ला रहे थे, क्या लगता है आपकी बार? कह रहे हैं 400 पार। 2022 में बहन जी की पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी, आपकी बार 400 पार। बहुजन समाज पार्टी की जैसे 2007 में सरकार बनी थी पूर्ण बहुमत से बहुजन समाज पार्टी की, ऐसे ही 2022। कहाँ से हैं आप? मैं हापुड़ जिले से हूँ। हापुड़ जिले से हैं, अभी जो वर्तमान में सरकार चल रही है, बताइए। तो ऐसी सरकार है, उनके काम काजों से खुश हैं क्या? उनका कोई काम नहीं है, प्रचार ज़्यादा है उनका। ये जो सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये जो झूठे वादे करती है, और इनका कोई काम नहीं है। यहाँ काम देख लिए, बहन जी का काम बहुत है पूरे उत्तर प्रदेश में। आज हर युवा बोल रहा है, हर बुजुर्ग बोल रहा है, काम दिखता है तो दिखता है, बसपा का काम दिखता है। इसी के साथ चैनल को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।